जीत पाओगी नहीं आज चैलेंज में? तो मेरे सामने बच्चे मछली का चैलेंज आज तक जब भी हुआ है मैंने ही जीता है। बिल्कुल भाई, ये बात तो सच कह रही है। क्या लगता है आपको? भाई आपकी वीडियो रोज देखता हूँ, आज चैलेंज मिला मेरे को, ठीक है? अरे मेरे सामने कुछ भी नहीं है ये। इतना जोश संतोषी जी, क्या लगता है? आपने वीडियो में देखा है तूफान, अब उससे दुगना मैं इधर। यहाँ देखो तूफान, अभी दिखाता हूँ मैं। भाई राकेश जी, न्यू चैलेंजर है पूरा भर के जोश है इसमें। न्यू चैलेंजर एकदम अच्छे से। हाँ बिल्कुल, तो देखते हैं भाई साहब ये खा के और पूरा राकेश जी पंखा लेके जा पाते कि नहीं। विशाल जी नियम समझा देते हैं, क्योंकि तीसरे न्यू चैलेंजर हैं और मछली का चैलेंज है, इनको तीसरे नंबर पे उतारते हैं, क्योंकि हरवाड़ी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीसरा मौका देते हैं आपको न्यू चैलेंजर। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ओके, मंजूर है। कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, हवा में उड़ेंगे ये तो ना, ज्यादा बिछड़ना बिछाने का कम करते हो भाई। फुल्ला चैलेंजर राकेश जी, तो राकेश जी नाम क्या है फिर? पंखा पूरा, एक पंखा है और 500 रुपए कैश है भाई। कैश भी भाई यहाँ पे बिल्कुल, ये रख दिया विशाल जी, ये दिखाइए 500 रुपए कैश और पंखा। ये बताओ फिर पहले कौन आ रहा चैलेंज में? पहले मैं आऊंगा। आप भी आओगे फिर? राजेश उतर रहे भाई। अच्छा क्या लगता है कितनी देर में फिनिश हो जाएगा? वो तो खाने के बाद पता चलेगा, मेरा टारगेट है 1.5 से 2 मिनट। 1.5 से 2 मिनट भाई सब कह रहे हैं, चल रेडी हो फिर? चलो 3, 2, 1 स्टार्ट। और राजेश जी 1 सेकंड पहले खाना कर चुके हैं चालू, पर देखते हैं कितने कितने सेकंड में खाते हैं। और ये पंखा पूरा लेके जाते हैं भाई। भाई आज विशाल जी जोश नहीं देंगे ज्यादा, क्योंकि तो आज जो है कांटे का सवाल है, कांटा जो है बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि मछली का चैलेंज है भाई। हमारे बोलने से ऑडियंस इतना जोश आ जाता है चैलेंजर में कि वो कुछ भी नहीं देखते, सारा चीज निकल जाते हैं, इसीलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे इस बार। फिर भी देख रहे हो सिर्फ अभी टाइमर 20 सेकंड हुआ यहाँ पे बिल्कुल, और 20 सेकंड में चावल लगता है पूरा फिनिश होने वाला इनका, और मछली खाएंगे बाद में भाई साहब ये बिल्कुल। बाकी कांटा का देख के उसमें कांटे बहुत सारे, हाँ उसी में बहुत सारे कांटे हैं भाई, इनको कहना पड़ रहा है कांटा कांटा, क्योंकि भाई कोई दिक्कत ना हो इन्हें भाई। बिल्कुल अभी भी चावल के अंदर कांटा चला गया, चावल में भी कांटा गया है। राकेश जी तो पूरा उधर ही ध्यान है भाई साहब। भाई अभी बहुत सारे कांटे उसके अंदर नजर आ रहे हैं, जो अभी चले गए, अंदर चला गया। तो संतोषी जी आपको क्या लगता है फिर आज के चैलेंज में? भैया मैं ही जीत के जाऊंगी। पक्का जाओगे जीत के? तो देखते हैं भाई साहब, इधर बात की जाए, काफी खतरनाक चैलेंजर है ये राजेश जी भाई यहाँ पे। बिल्कुल राजेश जी, हमारे मछली के सबसे बड़े चैलेंजर भाई, कांटे के साथ ही निकल गए। ओ माय गॉड, ओ भाई डर काफी ज्यादा, डर बैठ रहा है विशाल जी, बहुत ज्यादा डर लग रहा है भाई। अब कांटे निकल रहे हैं भाई, एक एक करके कांटा ही चबा जा रहे हैं विशाल जी। भाई साहब इनका टाइम लगेगा, वो कांटे में टाइम लगेगा पूरा, क्योंकि ये मछली का चैलेंज है भाई। विशाल जी कांटा समेत ही खा जा रहे कई, तो ये देखो भाई एक्सपीरियंस राकेश जी एक्सपीरियंस। आराम से कांटा दिक्कत दे सकता है भाई, आज हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ और कांटे पे ध्यान देंगे। कांटे को बिल्कुल ज्यादा देख के खाइए राजेश जी। जो टाइमर सिर्फ भाई 1 मिनट हुआ है अभी यहाँ पे, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भाई साहब कुछ भी ले आओ, मछली ले आओ, कुछ भी, टाइमर को अपने वाले लगाएंगे पूरा। ये बिल्कुल छोटे छोटे कांटे को तो निगल ही जा रहे हैं, एकदम चबा के उसी के साथ खा जा रहे हैं। राजेश जी ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, अच्छे से खाइए। क्या लगता है फिर? बिल्कुल न्यू चैलेंजर सीख रहे हैं भाई, भाई। क्या लगता है आपको फिर? भाई टाइम मेरे को भी मिलेगा, हम भी बताते हैं। चलो भाई साहब पूरी ध्यान इनका, इनकी थाली पे भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल पूरी वीडियो देख के आए, पूरा जोश लेके आइए। बिल्कुल भाई टेक्निक अपना वाला, ये बिल्कुल बिल्कुल पूरी सफाई का ध्यान रख रहे हैं। हमारी वीडियो देखता होगा वो भाई समझ जाएगा टेक्निक पूरा। 1 मिनट 58 सेकंड राजेश जी, आपने भाई साहब काफी बढ़िया टारगेट दिया यहाँ पे, और अभी देखते हैं कांटा सिर्फ इतना निकाला है, सारा कांटा खा गए भाई। अब राकेश जी खा गए, आप कुछ पता नहीं सकता उसके लिए। तो मैंने आराम से खाया है, हैं बच्चे हैं ना मेरे सामने, ये बच्चे हैं, तो चलो देखते हैं अभी ये बच्चा कितना बड़ा टारगेट देने वाले हैं आप। बिल्कुल तो सेकंड कौन आएगा फिर? आप आ रहे हो, क्या लगता है फिर आपको? 58 सेकंड क्या कह रहे हो संतोष जी? ये पूरा ये मछली है, ये आराम से डर की जोश बात नहीं है, जोश खो देंगे। बिल्कुल जोश मत दिखाइए ज्यादा, इसमें कांटे हैं। ये लो निकाल के खाना फिर से भाई, कांटे को निकाल के खाना, हड़बड़ी नहीं करना भाई, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मछली का चैलेंज हम इसीलिए नहीं रखते विशाल जी, ये तो है भाई। 3, 2, 1 स्टार्ट। और ये क्या सूखा चावल, मछली आराम से थोड़ा सा, कांटा भी चला गया। ओ माय गॉड, इनको जितना बोलो हम नहीं बोलेंगे राकेश जी आज भाई, आपका कुछ नहीं बोलेंगे, हम बिल्कुल चुप है भाई। भाई साहब ये क्या ही कर रहे हैं ये, बाप रे बाप। 11 सेकंड 12 सेकंड 12 सेकंड में भाई सबसे पहला ध्यान इन्होंने दिया है मछली पे ही भाई साहब, बिल्कुल। और मछली ही काफी दिक्कत देगा इनको आगे तो, पर ये क्या ही बताएं इनको, कांटे भरे हुए थे उसमें। संतोषी जी आराम से करिए, आराम से मछली है, थोड़ा ध्यान से करिए, क्या कर रहे हो आप ये? बाप रे बाप, पहले मछली ही खा रही है ये, और कांटा उसमें सोडियम थोड़ा बहुत, देखो भाई दिक्कत होगी तो हम तो अपनी तरफ से पूरी बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर ये अपनी ही स्पीड लगा रहे हैं पूरी। ये
बाप रे बाप, सारा कांटा निकल गए विशाल जी। जैसा कि उन्हें बोला था राकेश जी, 58 सेकंड, ऐसे ही बोलता 58 सेकंड। बाप रे बाप, 40 सेकंड का टाइम हो रहा है और 40 सेकंड में सारा का सारा कांटे के साथ मछली निकल गए और सारा का सारा चीज खत्म कर दिया भाई, आराम से ओ माय गॉड। देख रहे हो हम भाई यहाँ पे, बोले या ना बोले जोश इनका वही रहता है पूरा, क्योंकि यहाँ पे इनाम काफी ज्यादा होता है भाई। भाई आज इनाम काफी ब्रांडेड रखा गया, 500 ब्रांडेड पंखा रखा गया है हैवेल्स कंपनी का भाई। ये क्या है, यहाँ पे खाली नाम दिखाई रहे हो, यहाँ पे पूरी ताली फिनिश होने वाली इनके भाई। बिल्कुल, और राजेश जी के हाथ से गया इनाम, पूरा लग रहा है यहाँ पे राजेश जी के हाथ से तो गया, मगर न्यू चैलेंजर काफी जोश में है और काफी वीडियो देख के आए हैं। वीडियो में जो तूफान देखा था और यहाँ जो तूफान देख रहे हैं उसमें लेवल थोड़ा ना थोड़ा थाली पूरी भाई साहब ऊपर उठ चुकी है, अब नीचे आते ही पूरे टारगेट हो गए क्रॉस भाई। ये क्या था, 26 सेकंड भाई। संतोषी जी ने आपको टारगेट दिया 1 मिनट 26 सेकंड का, तो आपको क्या लगता है भाई? अब हमारी बारी भी है, ठीक है, अब हमारा भी चैलेंज देखो, ठीक है, 1 मिनट 26 सेकंड बहुत होते हैं, अब हम भी चालू कर रहे हैं इसे। बापरे बाप, एक मिनट आप जो काफी वो जोश में दिख रहे हो, आपने आपका ना हमने सारा कांटा निकाल दिया है, चैलेंज एक तरफ और कांटा एक तरफ भाई, क्योंकि कांटे का सवाल है, होपलेस हो जाएंगे भाई। बिल्कुल भी है, बिल्कुल, तो क्या लगता है फिर? बिल्कुल, अब हमारी भी बारी है, सामने देखो। तो अगर ये पूरी थाली खा लोगे तो आपको मिल गया पंखा पूरे 500 रुपए कैश, ठीक है फिर, मंजूर है फिर, करते स्टार्ट। क्या है ये जोश है कि क्या है ये? बहुत दिखाओ मछली, हमने कांटा निकाल दिया आपका पहले, कांटा निकाल देना फिर भी देख लेना कांटा, ठीक है। 2, 1, स्टार्ट। और ये हो चुका है न्यू चंद्र का टाइम स्टार्ट, और देखते हैं क्या करके जाने वाले भाई ये। भाई वीडियो में तूफान देख देख के तूफान बन गए भाई, कमेंट कर बताना इनका, हमने कांटा पहले निकाल दिया, हमने ठीक किया कि भाई सही नहीं किया, कमेंट करके जरूर बताना भाई। चैलेंज है, मानते हैं चैलेंज है, सबको बराबर देना चाहिए, मगर कई चैलेंजर जो है न्यू चैलेंजर होपलेस हो जाते हैं और जो वीडियो में देखते हैं वैसी तबाही मचाने की कोशिश करते हैं। बाप रे बाप, 20 सेकंड में मछली चावल पूरा एक साथ जा रहा है मिक्सिंग का, जैसा कि पूरी वीडियो देख के आए हैं वो पूरा उसी को फॉलो कर रहे हैं भाई अच्छे से। बिल्कुल, ये देखो कांटा देख लेना, ठीक है, कांटा देख लेना, कांटा देख के खाना भाई आप, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कांटा कांटा उसमें भी बिल्कुल नहीं है, अब नहीं है लग रहा है, नहीं है अब नहीं है, थोड़े बहुत हैं, छोटे मोटे कांटे हैं, उनको देख लेंगे तो सही रहेगा। एक पंखा और 500 रुपए के लिए पूरी जी जान लगा रहे हैं, और टाइम इनका हो चुका है 46 सेकंड, और 46 सेकंड में बात बिल्कुल कांटा देख रहे भाई, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। राजेश जी कोई कांटा दिखे तो बताना, बता देना भाई, यहाँ पे देखो है कांटा, ये लीजिए कांटा था भाई साहब। बापरे जी, ये तो होश उड़ा दे रहे भाई, क्योंकि पहली बार आए ये, हम ये चाहते हैं कि भाई अपना इनाम आए और जीत के आए हर बार ये। बिल्कुल आराम से कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत टाइम है, 1 मिनट 7 सेकंड का टाइम हो रहा है और 1 मिनट 26 सेकंड का टारगेट मिला हुआ है। टाइम तो आपको क्या लगता है इधर? संतोषी जी, नाम आपके पास आएगा कि नहीं आएगा? संतोषी जी पक्का आएगा आपके पास? बहुत बढ़िया, आराम से, बहुत बढ़िया। 20 सेकंड और 20 सेकंड में बाइट की जाए, इनका 3 बाइट रह चुका है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रफ्तार, कांटा तो नहीं लग रहा लीजिए भाई, हाथों में कांटा फंस जा रहा है, कांटा तो राकेश जी हो चुका है और टाइम इनका हो चुका है क्रॉस। बिल्कुल, तो न्यू चैलेंजर आपका हौसला काफी नेक्स्ट लेवल है भाई। बिल्कुल, टाइम क्रॉस हो चुका है, रुक जाइए आप, कोई नहीं, रुकिए, रुकना है तो रुकिए, खाना खाइए, खाना है तो आप बिल्कुल भी खा सकते हो, रुक जाए, चलिए रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हाथ धोइए और आराम से खाइए, फिर बात करते हैं। संतोषी जी ने वो कारनामा करके दिखलाया जो बड़े बड़े नहीं कर पाते, मछली का चैलेंज सबसे हार्ड चैलेंज माना जाता है और उसको धुआं उड़ा दिया भाई 1 मिनट 26 सेकंड में। तो संतोषी जी कैसा लग रहा है आपको फिर इनाम लेके? मैं जीत के बहुत अच्छा लग रहा है। आप कैसे जीते, क्या टेक्निक कैसे लगाया? मैंने मेरे से देखा कि मैंने ये कांटा खाया तो मैंने भी इनसे ज्यादा ही कांटा खा गई, इसलिए मैं चैलेंज जीत गई। 1 मिनट 26 सेकंड था राकेश जी। ये बात तो सही कह रहे हो कि उनसे ज्यादा कांटा खा लिया, मगर अगली बार ये गलती मत करना प्लीज, ठीक है, ये चैलेंज है, हड़बड़ी का चैलेंज नहीं है, ठीक है। राकेश जी पंखा खोल के दिखाइए एक बार। चलिए चले, आप पंखा खोलिए, तब तक न्यू चैलेंजर से पूछते हैं क्या ऐसा हुआ जो तो आप लड़खड़ा गए। आपको कहां दिक्कत आई फिर? शुरू में आपका जोश देख के हमने कांटा भी इसीलिए निकाला था कि आपके दिक्कत ना हो जाए। जोश वैसा भी है जो वीडियो में मैंने देखा था, उससे भी ज्यादा चैलेंज यहाँ पे आया था खाने में, ठीक है, ठीक है। अगली बार आऊंगा ना तो चैलेंज पक्का, दोनों को हरा के मैं जीतूंगा, दोनों को, मछली में तो जीतनी पे आपका, किसी में भी, किसी में अगली बार आऊंगा, मिलूंगा, ठीक है, अगली बार जीत के जाऊंगा मैं। ये बात तो राकेश जी, चैलेंज है मेरा। राकेश जी पहली बार आया तो इनको देते थे मछली भाई साहब यहाँ पे, और लगता है कि सेकंड टाइम पूरा गर्दन उड़ा देने वाले भाई ये। बिल्कुल भाई, यही होगा। बिल्कुल, आपको मिल गया इनाम, पंखा मिल गया आपको, सारा चीज निकाल के दिखला दीजिए भाई, बिल्कुल एकदम ब्रांडेड और एकदम बढ़िया पंखा। राकेश जी आप कैसे रह गए? ये मैं तो इनको बच्चा समझ रहा था, इन्होंने तो मेरे से डबल तूफान ला दिया। ये तो पता ही नहीं चला इतनी तेजी में बच्चे खा सकते हैं। पर
यहाँ पे दिमाग लगाई, पूरा कांटा ही खा ली थी भाई संतोषी जी पूरा। बच्चे तो है मगर एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल का हो चुका है। संतोषी जी हमारे चैलेंज की दूसरी सबसे खतरनाक मानी जाती है भाई, इसीलिए ये बड़े बड़े चैलेंज जीत जाती है। ऑडियंस आपको इन तीनों चैलेंजर में से कौन से चैलेंजर ज्यादा अच्छे लगे कमेंट में जरूर बताना, और पेज पे नए हो तो जरूर फॉलो और शेयर कर दीजिए ऐसी खतरनाक और मजेदार वीडियो देखने के लिए।